दृष्टि आई के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से जिसमें हमने आपसे पूछा था हिमोफीलिया के संबंध में नियमित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक था ये एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी रक्तस्त्राव विकार है कथन दो है इस रोग के कारण शरीर में रक्त के थकके जमने की प्रक्रिया धीमी बढ़ जाती है उपयुक्त तो में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है आपको यह बताना था आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल एक ऑप्शन बी केवल दो ऑप्शन सी एक और दो दोनों या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं आप में से कई व्यक्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है इसी तरह अपने सुझाव प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए हमें इसका इंतजार रहता है चलिए तो बागे की बात को एक्सेंशन से समझते हैं आज दुनिया भर में विश्व हिमोफीलिया दिवस मनाया गया बता दें कि विश्व हिमोफीलिया दिवस हर साल सत्रह अप्रैल को मनाया जाता है इस वर्ष इस दिवस की थीम एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी रक्तस्राव विकार है इसलिए कथन एक सही है यह एक जेनेटिक रोग है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है इस रोग के कारण रक्त के थकके जमने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है इसलिए कथन दो सही है इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के तो आज के के एपिसोड एपिसोड की तो का पहला प्रश्न है ग्रीन डिपॉजिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है कि पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में अपने अधिशेष नकदी भंडार का निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए एक सावधि जमा है कथन दो है इससे जलवायु स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी उपयुक्त तो में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही है हाल ही में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए एक रूपरेखा जारी की आपको बता दें ग्रीन डिपॉजिट पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में अपने अधिशेष नकदी भंडार का निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के, के लिए एक सावधि जमा है इसलिए कथन एक सही है इस तरह जमाधन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा हरित परिवहन और हरित भवनों जैसी गतिविधियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है ये निम्न कार्बन उत्सर्जन जलवायु लचीली और सतत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाने का प्रयास करेगा इससे जलवायु स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इसकी कथन दो सही है इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज ओरियन का आयोजन किस देश में हो रहा है आपके ऑप्शन है फ्रांस इंडोनेशिया भारत या फिर जर्मनी तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए फ्रांस चलिए इस प्रश्न देखते हैं हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी आई की एक टुकड़ी ओरियन अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई आपको बता दें कि ओरियन बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास है यह अभ्यास फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में स्थित फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के वायुसेना बेस स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है इसलिए विकल्प सही है इस अभ्यास में भारत की ओर से चार राफेल विमान दो सी सेवनटीन विमान दो आई एल सेवेंटी टू विमान और एक सौ पैंसठ वायु योद्धाओं ने भाग लिया है ये भारत की ओर से राफेल विमानों के लिए पहला विदेशी अभ्यास है इस अभ्यास में जर्मनी ग्रीस इटली नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार मेला किस मंत्रालय संस्था की पहल है आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय नीति आयोग या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हाल ही में प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत इकहत्तर हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं गौरतलब है कि रोजगार मेला एक ऐसा कार्यक्रम है जहां नियोक्ता और नौकरी चाहने वाले लोग आवेदन करने और साक्षात्कार के उद्देश्य से एक साथ आते हैं इस तरह के मेलों का आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा देश में रोजगार की पहल को गति देने के लिए किया जाता है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन काम करता है इसलिए विकल्प डी सही है यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलुमिनेसेंस शब्द विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है आपके ऑप्शन है ध्वनि प्रकाश गति या फिर तीव्रता तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रकाश हाल ही में विशाखापटनम के पास समुद्र तट का एक हिस्सा बायोलुमिनेसेंस नामक एक प्राकृतिक घटना के कारण नीला हो गया बायोलुमिनेसेंस एक प्राकृतिक घटना है जिसमें एक जीव रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण प्रकाश उत्पन्न करता है इसलिए विकल्प भी सही है इसमें जीव की रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है यह एक शीतल प्रकाश होता है शीत प्रकाश का अर्थ है बीस प्रतिशत से कम प्रकाश विकिरण या उष्मा उत्पन्न करता है गर्मी के दिनों में जुगनों का चमकना इसी घटना का एक उदाहरण है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी प्रकाश नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्बा ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है यह स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर होने वाले अनौपचारिक व्यापार को संदर्भित करता है कथन दो है इसमें ट्रेडर्स वास्तविक लेन देन की बिना स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव पर दाम लगाते हैं उपयुक्त तो में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही है ने ड्रिक व्यवहार से है जो स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर होता है इसलिए कथन एक सही है इसमें ट्रेडर वास्तविक लेन देन के बिना स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव पर दाव लगाते हैं इसलिए कथन दो सही है एक और जहां स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए निवेशकों के पास ब्रोकर के साथ एक डीमेट खाता होना चाहिए वहीं डब्बा ट्रेडिंग में व्यापार बाजार के दिशा निर्देशों से बाहर होता है ये जोखिम भरा होता है क्योंकि इसमें कोई गवर्निंग नियम और कानून नहीं है इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है इस क्वेश्चन है हीटवेव के संदर्भ में निमित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है यह असामान्य रूप से उच्च तापमान की वस्तु है जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है कथन दो है इसे साइलेंट डिजास्टर भी कहा जाता है कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो एक और दोनों दो या फिर न न तो तो एक ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो चलिए देखते हैं हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आई ने देश के कई हिस्सों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है आपको बता दें हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की व्यवस्थिति है जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है इसलिए कथन एक सही है इसे साइलेंट डिजास्टर भी कहा जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे और समान रूप से मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है इसलिए कथन कथनल सही है इसे क्षेत्र में तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है यदि किसी स्थान पर अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीटवेव की स्थिति माना जाता है इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो नेक्स्ट क्वेश्चन है धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी नामक डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई है ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय विदेश मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय हाल ही में डीडी नेशनल पर दो भागों में एक डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की गई इस डॉक्यूमेंट्री का नाम धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी है इसे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बनाया इसलिए विकल्प सही है इस डॉक्यूमेंट्री में पिछले कुछ वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को दिखाया गया साथ ही इसने भारत की सांस्कृतिक एकता और गौरव की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा उठाए गए कदमों को प्रदर्शित किया गया इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय अगला प्रश्न निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए एक तरफ उत्सव बताए गए हैं दूसरी तरफ राज्य उथान्डु कर्नाटक महाविशुबा पड़ा संक्रांति ओडिशा बोहाग बिहू मणिपुर और बैसाखी पंजाब उपरिंद में से कौन से ऐसे सम्मिलित हैं या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो और चार केवल एक और तीन या फिर केवल तीन और चार तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो और चार युग्म ही सुमेलित हैं चलिए से, से आगे बात को समझते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रीय उत्सवों पर स्थानीय लोगों को शुभकामनाएं दी बता दें कि अप्रैल के मध्य में विभिन्न क्षेत्रीय उत्सव मनाए जाते हैं इनमें प्रमुख है पुथांडु पणा संक्रांति बोहाग बिहू और बैसाखी आदि पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जो तमिल नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है इसलिए युग्म एक सम्मिलित नहीं है महाविशुभा संक्रांति ओडिशा में मनाई जाती है जो ओडिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है इसलिए युग्म दो सम्मिलित है बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है इसलिए युग्मीन सुमेलित नहीं है जबकि बैसाखी उत्सव मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है इसलिए है इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि केवल दो और चार सुमेलित हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है पांडु मल्टी मॉडल पोर्ट किस राज्य में स्थित है आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश असम या फिर उड़ीसा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी असम हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए पहला रोवर डायमेंशनल कार्गो और ओवर कार्गो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से पांडु मल्टी मॉडल पोर्ट पर पहुंच गया बता दें कि पांडु मल्टी मॉडल पोर्ट असम राज्य में एक पोर्ट है इसलिए विकल्प सी सही है जो गुवाहाटी शहर के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी यानी नेशनल वाटरवेज टू के उत्तरी किनारे पर स्थित है ये बांग्लादेश में अंतरदेशी जलमार्ग के माध्यम से कोलकाता से जुड़ता है जिसे इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में जाना जाता है इस तरह से प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी असम चलिए पहुंचे प्रश्न पर तो अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संगठन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित किए गए थे पहला है बहिष्क हितकारिणी सभा दूसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तीसरा है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और चौथा तो है सत्य शोधक समाज दूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है आपके ऑप्शन है केवल एक तीन और चार केवल दो तीन और चार केवल एक दो और चार या फिर एक दो और तीन तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक दो और तीन चले की बात को समझते हैं बीते दिनों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई गई बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों की कठिनाइयों को दूर करने और उनकी शिकायतों को सरकार के सामने रखने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जबकि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त में में समाज में ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संरचनाओं के खिलाफ बी आर खिलाफकर के नेतृत्व में गठित एक भारतीय राजनीतिक संगठन था साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की जो भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों के उचित प्रतिनिधित्व पर बल देता था वही शक्तिशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी जो निचली जाति के लोगों के लिए मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए समर्पित था इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केवल एक दो और तीन चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज किस देश में स्थित है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोजाम्बिक ऑप्शन बी अंगोला ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी जिम्बाबे तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया